अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली ज़रूर देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। अपनों को पहचानना है तो बस इतना ही काफ़ी है। जरा सा रूट कर देखो, मनाने कौन कौन आता है। ज़िंदगी भी समुद्र की भांति है, ये सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र में हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर दो, रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। बीते हुए कल को कभी याद मत करो लेकिन उससे मिले हुए सबक को कभी मत भूलो। घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। किसी से प्यार करो, बेहद करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। हर खोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है लेकिन जहाँ विश्वास एक बार खो जाए वो दोबारा नहीं मिल सकता। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हर चीज की जिम्मेदारी तुम खुद हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। एक राज की बात बताऊं, हमेशा याद रखना, इस जमाने में तुम्हें गैरों से नहीं अपने पास रहने वालों से सावधान रहना है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। दिल में जज्बात और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाने से मोहब्बत नहीं होती। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। जो हमेशा जाने के बहाने ढूंढते हैं उन्हें रोको मत बल्कि उन्हें दरवाजे तक छोड़ आना चाहिए। सराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वो आपको बेवकूफ समझ लेता है। इंसान तब हार जाता है जब उसे ये पता चले जिसे वो सब कुछ मानता था उसके लिए हम कुछ भी नहीं है।